Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your teacher, Samiul Haq. Hope you all will be fine, hale and hearty. Dear students, these are the meaning of difficult words. Dear students, अभी हम जो पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं उसमें जो मुश्किल अल्फाज आएंगे ये उसके वर्ड मीनिंग्स है, ठीक है। Dear students, today we are reading the next paragraph of our second lesson, The Champions. So, let's start reading. Both Liarit brothers froze their punches well on its way, sending up a roar of approval for good sportsmanship. लियारी की दोनों भाइयों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने मुक्कों को रोका। हुजूम की तरफ से उसे बेहतरीन खिलाड़ी होने का सबूत मिला, यानी उसने अच्छे खेल और अच्छे अखलाक और इंसानियत का मुजाहिरा किया था इस वजह से। यानी वो खेल को सिर्फ खेल की तरह खेल रहे थे, उसे उसने अना का मसला नहीं बनाया था। नो सूनर डिड द राउंड टू बिगिन देन अली वॉज ऑफ हिज स्टूल एंड रश्ड इट गुल लाइक अ बुल सेंडिंग अ हार्ड राइट टू हिज हेड। दूसरे राउंड के शुरू होते ही अली स्टूल से उठा और एक बैल की तरह गुल पर झपट पड़ा, उसके सर पर दाएं हाथ से मुक्का रसित किया या मुक्का मारा। बीड्स ऑफ वाटर एक्सप्लोडेड फ्रॉम गुल्स लॉन्ग हेयर। गुल के लंबे बालों से पानी की कतरे गिरने लगे। लाइट्स सडनली एक्सप्लोडेड इनसाइड अलीज हेड एज गुल स्लिप्ड द ब्लो and hit him with a pistol like left on Ali's chin. Ali ki dimag mein bijliya si chamakne lagi jo hi gul ne goose ka war use mara aur use ek piston ki tarah Ali ki todi par maar diya. Todi matlab mungcho ta zanawayu tik tik na. A roar and yelling broke out in the stadium when Gul's crushing blow momentarily unbalanced Ali's leg. Stadium zordar awazon aur naron se goonj utha jab Gul ki mohlik zarb ne chand lamhon ke liye Ali ki taangon ka tawazun bigad diya. Neither fighter was giving an inch. दोनों में से एक भी दूसरे को जरा सा भी मौका नहीं देना चाहता था। सडनली अ शॉर्ट राइट पंच स्ट्रक गुल स्क्वेयरली ऑन द चिन। अचानक बाएं से एक तेज मुक्का गुल की तूड़ी पर पड़ा।
his long legs turned to jelly and his arms flailed out desperately. उसकी लंबी टांगें लड़खड़ाने लगी और उसके बाजू मायूसी से लटक गए. दलते की ओप्रेस लिखले थे छे टर्न टू जेली. टर्न टू जेली मतलब दादे छे लड़खड़ाना लरजना मतलब दारे सड़े छे बैलेंस छे गड़बड़ छे कना ओपरा गुरजी दो ही ना गई तो सवाई टर्न टू जेली लड़खड़ाना. अली ग्रंटिंग लाइक अ बुल थ्रो वाइल्ड पंचेस फ्रॉम एवरी डायरेक्शन. अली एक बैल की तरह गुर्राता हुआ हर तरफ से उस पर मुक्के बरसा रहा था. गोल्ड पेल्ट डिजी डिसओरिएंटेड बोब्ड एंड वेव्ड एवेडिंग मोस्ट ऑफ द ब्लोज. गुल का सर चकराने लगा वो लड़खड़ाने लगा और लहराते हुए ज्यादातर मुक्कों से वो अपने आप को बचाता रहा. पिल डिजी यहाँ पर लिखा है मतलब पिल डिजी मतलब दारे का ना कि लगा अक्सर इतना सड़े वो ही का ना न पद बन सर वो गर्जी यानी जो गड़ बोल ची न पद के टाइम की द गुलसो द हालात हूँ ठीक दा का ना. आओ डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो है ये जो मुश्किल अल्फाज इस पैराग्राफ में है ना आपको उन मुश्किल अल्फाज की मीनिंग्स इंग्लिश में लिखने हैं और उसे अपने अपने सेंटेंसेस में यूज करना है. यह आपका कल का होमवर्क होगा ठीक है ना. थैंक यू वेरी मच.